Watch out. तो कैसे हैं आप? इनको क्या पता? मेरे बड़ी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी प्रथम का मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा खाना मिला आया। ये सारी इनकी माया, इनका ही तुम बांग्लादेशी हो मैं मदर से तुम मुस्लिम हो मदर से भाई गाली बंद दो यार, इतना रॉफ गाली बंद दो, ठीक है? वो भी माँ को लगा कर, ठीक है? हेलो डीएमई, आज का वीडियो कुछ इस तरीके से शुरू होने लाए। जब मैं एक रैंडम गेम के लिए तरफ जाता हूँ, मुझे क्या पता था इस स्क्वाड में एक ऐसा बंदा होगा जिसके दिल में भाई धर्म को लेकर नफरत पैदा हुई है। अब इस वीडियो को भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना। अरे नुबरा, मैं तो एक लोग क्या, तुम तो नहीं क्या? इस वाली वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस बंदे की वॉइस आपको सुनानी है, तो जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगा कि एयरफोन आपको लगा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जाके समझ में आ जाएगा ये बंदा बोल क्या रहा था। क्या करो मैं YouTube? अरे तुम तो पहले लोग हुआ, लोग हुआ पहले तो लोग हुआ। अब ये बंदा पिछले वाली गेम प्ले की बात कर रहा था जहाँ मैं सबसे पहले नॉक एंड फिनिश हो गया। अब उसको भाई ये पकड़ के बैठ गया कि तुम्हारे यूट्यूब नाम है, ऐसा ऐसा सब कुछ है, मतलब फिर भी तुम नॉक हो गए, तुम नूब हो, ये वगैरह। अब आगे चल के भाई ये बंदा गाली देने लाए, वो भी माँ के ऊपर। अब इसको मैं कुछ रिप्लाई नहीं दूंगा, जस्ट मैं अपने टीममेट के साथ बात करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भाई मैंने लड़की के साथ खेला है, अब वो लड़की भाई इतना झूठ बोलेगी, झूठ पे झूठ बोलेगी, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जस्ट वो वाला गेम भी आ गया है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो को भाई एयरफोन लगा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो बंदा बात कर लेगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम जा रहे थे ईस्टपोर्ट, अब यहाँ देखना ये होगा कि यहाँ पे बंदे आ पाते हैं या नहीं। अगर आ गए तो आपके भाई के कितने किल हो गए। और भाई इस वाली वीडियो में एक स्क्वाड क्लच है, मतलब आपका भाई ने स्क्वाड क्लच किया है, तो भाई उसको देखना तो बनता है। तो प्लीज़ एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। अब फिलहाल मेरे को उतरते हैं यहाँ पे, आगे चल के मिल जाती है M4। अब यहाँ पे भाई जस्ट बंदे देखना, दो स्क्वाड आए रहते हैं। अब मेरे को तो यहाँ पे पता नहीं स्क्वाड, मतलब मेरा टीममेट फायर करता है, वो भी शॉटगन से बंदे को दौड़ा लेता है। अब येलो कलर का भाई उसका ड्रेस था उस वाले बंदे का, अब मेरे को यहाँ पे वो दिख जाता है। अब मैं उसको भाई मतलब नॉक करने की ट्राई करता हूँ, मेरे को बंदा मिलता ही नहीं। अब वो बंदा यहाँ पे दिमाग लगाता है, यहाँ से भाई मतलब बाइक या कार जो भी है वो लेके भाग जाता है। मेरे को पता नहीं, कार शायद कार ही होगी, वो लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे देखना, अब मेरा टीममेट पूरा ओपन में जा रहा है S12 के लेके, वो भी भाई क्लोज रेंज होती है, एक बात होगा। अब ये बंदा S12 के भाई, वो भी लॉन्ग रेंज, भाई क्या ही कर पाएगा बंदा। अब यहाँ पे मैं इसको कवर देने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे Level 3 हेलमेट रहता है और MO भी रहते हैं, मैं यहाँ से MO वगैरह ले लेता हूँ। अब बारी थी बंदों पे रश करने की। अब मेरे को यहाँ पे एक बॉर्ड दिखता है, अब मेरे को लगा ये बंदा होगा। जस्ट मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ फायर, अब ऊपर एक बंदा दिखता है, इसको भी नॉक दिया। अब भाई ब्लू हाउस पे एक बंदा था, अब यहाँ पे मेरा भाई ये बंदा मेरा मतलब किल चोरी कर लेता है। अब इसको यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका नाम था आशिक, मतलब कौन सा आशिक था मेरे को पता नहीं। अब यहाँ पे देखना, जस्ट दो नंबर भाई, अलग ही भाई उसका तो अलग ही नशा है, उससे मैं बात ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे स्क्वाड होने के वाइप होने के बाद भाई ये दो नंबर मेरे को क्या बोलेगा जी, देखना। यहाँ पे बंदा रहता है, यहाँ तक सब कुछ सही था। अब यहाँ पे हम फाइट कर रहे थे, जस्ट दो नंबर को इग्नोर करता हूँ। अब यहाँ पे बंदा बहुत कुछ बोलने वाला है, अब यहाँ पे मैं जस्ट एक बंदा नॉक इसको फिनिश कर दूंगा। अब मेरे को ये आगे चल के बांग्लादेशी पाकिस्तानी, अब भाई यहाँ तक तो मैं कंट्रोल कर लेता, अब ये आगे चल के एक ऐसी बात करने वाला है जिससे भाई सुनकर भाई मेरे को इतना गुस्सा आ गया कि भाई मैंने इसको यहाँ से मतलब शुरू कर दिया, मेरे जो मुँह में आएगा इसको मैंने शुरू कर दिया। मतलब ये बंदा एक ऐसी चीज़ बोलेगा, जस्ट आप सुनना। अब ये बंदा भाई इतना नफरत, मतलब इतना नफरत धर्म से, इतना नफरत कर रहा था कि
ये यहाँ पे आके मेरे को मतलब मेरे धर्म को ऐसा ऐसा बुरा कहने लगता है। अब इसकी बात को मैं इग्नोर करता हूँ, जस्ट यहाँ पे बंदे रहते हैं। अगर इसकी बात को मैं सीरियस लेता, अगर मैं चल के इसके धर्म को गाल लेता, अगर एक बंदे की वजह से मैं इसको मतलब तुम्हारे धर्म को मतलब जो भी तुम्हारा धर्म है, अब मैं एक बंदे की वजह से आपके धर्म को गाली दूंगा तो सबसे बड़ी गलती खुद की पहले मेरी है। अब एक बंदे की वजह से भाई हम पूरे धर्म को तो बुरा भला नहीं कह सकते। अब यहाँ पे जस्ट मैं एक ही मतलब यही दिल में सोचता हूँ। यहाँ पे देखना जस्ट दो नंबर, इसके दिल में भाई नफरत थी नफरत, अब इसको भाई ऊपर वाले ने दिखा दिया कि नफरत करने वाली की यहाँ पे मतलब दुनिया में नहीं मतलब पबजी में भी जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे इसको नॉक एंड फिनिश हो जाएगा बंदा। अब यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक होता है। अब जस्ट वो बातों को छोड़ो, अब यहाँ पे तीन नंबर भाई ये देखो भाई कितना मतलब बंदे कैसे बंदे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे भाई पूरी लिटरली फुल स्क्वाड रहती है। अब यहाँ पे देखना आपके भाई के साथ कितना गंदा स्कैम होगा यार। अब यहाँ पे चार नंबर नॉक है, अब फुल स्क्वाड रश कर रही है। अब यहाँ पे देखना भाई दो नंबर जस्ट वेट ही कर रहा था कि कब मैं मर जाऊं और एक कब मेरे को भाई फिर से ट्रोल करने लगे, ऐसे ऐसी गाली देने लगे। अब यहाँ पे भाई मेरे को कुछ ना कुछ करके इन चार बंदों को भाई मारना था। अब यहाँ पे जस्ट डिवाइड देने की ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है बंदे यहाँ पे रश कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं अपनी सेफ्टी के लिए मतलब मोली कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे चल के मेरे को मतलब फ़ायदा पहुँचाने वाले मोली। अब इस मोली से भाई एक बंदा डैमेज और नॉक हो जाएगा आगे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मेरा मतलब चांस था इस स्क्वाड को वाइप करना, क्योंकि चार नंबर भी मेरे साथ था। अब यहाँ देखना ही होगा कि यहाँ पे तीन बंदे और भी हैं। अब ये जो बंदा नॉक हुआ है ये भी भाई आगे चल के रिवाइव होने लगे। अब यहाँ पे चार नंबर नॉक होगा। अब यहाँ पे मेरे को भाई मतलब इतना प्रेशर था, यहाँ पे मेरा एम भी नहीं लग चुका। यहाँ पे मैं जस्ट बैकअप होता हूँ, यहाँ पे नीचे आके मतलब यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे जस्ट M4 रिलोड किया। अब ये बंदा Enemy down. मारो बेंच मारो. Enemy down. गाइज इस वाली क्लच में मज़ा आया तो भाई क्या कर रहे हैं यार, जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो। और भाई वो घंटा जो होता है ना उसको ऑल पे रखा करो यार, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो सेंड करता हूँ सबसे पहले आपको आएगी। अगर उसको तुम म्यूट रखोगे ऑफ रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो सेंड करी या नहीं। अब यहाँ पे दो नंबर भाई देखो यार, मेरा ही वेट कर रहा था मरने का। अब इसके साथ बहुत ही गंदा स्कैम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको इग्नोर करता हूँ और मैं मतलब अपनी तारीफ करने लगता हूँ। अब ये बंदा आगे चलकर फिर से भाई वही धर्म वाली बात करेगा। अब जस्ट मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई धर्म भाई बुरा नहीं होता, चाहे आप किसी भी धर्म से आप रिलेटेड हो। कोई धर्म आपको नहीं सिखाता कि किसी धर्म के खिलाफ आप नफरत हेट मतलब कुछ भी करो। चाहे आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपके जो घर में माँ बाप है ना, आप उनसे जाके पूछो कि कोई धर्म ऐसा है जो मतलब हेट स्पीच ऐसा हो। आपके माँ बाप खुद बोलेंगे जिनको आप खुद बहुत मानते हो। आपके हो सके तो आपके मतलब मेरी बात नहीं मानोगे, आपके खुद माँ बाप आप मतलब जाके पूछो यार। जहाँ तक इस वीडियो की बात है मतलब मैं अपना वॉइस नहीं बैठा रहा था, पिछले कुछ वीडियो में देखो तो भाई मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है और वॉइस भी बहुत चेंज है। मतलब मैंने इस वीडियो में भाई मैं मतलब थाल नहीं आता कि मेरे को वॉइस बटाना है और मैसेज सबको देना है कि भाई कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी के खिलाफ ऐसे हेट स्पीच दो। अब यहाँ पे बस मतलब एक बॉट फायर आया, यहाँ पे जस्ट सामने एक बॉट रहता है। अब इसको तो मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, अब इसको नॉक कर दिया। अब मेरे को राइट साइड से और बॉट की फायर आ रहा है, वहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद बहुत ही गंदा स्कैम होगा, जस्ट देखना क्या होगा। भाई इस बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर दिया यार। यहाँ पे पहले तो ये बॉट फायर करके बुलाता है, मुझे लगा ये बॉट होगा। यहाँ पे मैं तो फाइट के लिए रेडी नहीं था, बट ये बंदा मेरे को यहाँ पे नॉक फिनिश मतलब फिनिश ही हो जाता हूँ डायरेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड वाले गेम प्ले की। अब इस वाले मतलब वीडियो में चार नंबर एक लड़की थी, अब दो नंबर मेरा फ्रेंड है। अब फ्रेंड मतलब लड़के लोग समझ जाते हैं, फ्रेंड मतलब फ्रीली बात करना, चाहे गेम में हो या रियल लाइफ में। अब यहाँ पे रियल लाइफ मतलब गाली वगैरह देके ये तो फ्रीली बात होता है। अब यहाँ पे जस्ट तीन बंदे एक साथ उतरे रहते हैं। अब चार नंबर मतलब कहाँ है मेरे को कुछ पता नहीं। अब यहाँ जस्ट लैंड करती है मतलब दो स्क्वाड रहती हैं। अब यहाँ पे तीन नंबर गन फाइट कर लेता है। अब मेरे को यहाँ पे गन नहीं मिला रहता, अब जस्ट यहाँ पे लूट रहा था। अब तीन नंबर एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर देता है। तीन नंबर नॉक करने के बाद उसका सेकेंड बंदा आके तीन नंबर को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मतलब क्या ही कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे रश करने था क्योंकि मेरे पास ना वेस्ट है ना कुछ है। अब उस बंदे के पास भाई शॉटगन है, एक शॉटगन की गोली मेरे को चिपक गई विदाउट वेस्ट, मैं भी नॉक हो जाऊँगा। अब यहाँ पे जस्ट देखना, अब दो नंबर को मैं गुस्से में यहाँ पे एक गाली देता हूँ, मतलब माँ के ऊपर से गाली मैंने दी है मतलब अभी नहीं दी। अब ये तीन चार नंबर जो है अब ये बोलेगी कि माँ के ऊपर क्यों गाली दे रहा है ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे आगे चल के दो नंबर बोलेगा, हम दो बात करें तेरे को क्या तकलीफ करे, चार नंबर बोलेगा। अब ये भाई लड़की देखना क्या ही बोलेगी। देखो जो भी तो
दोस्त नहीं हो यार, ऐसे गाली मत दो। क्या होगा? ठीक है, और जो भी बोलना है बोलो, गाली मत दो। आप है कौन? तू निकल लौड़े पनी। अभी चार नंबर ने एक झूठ तो बोला, मतलब मैंने इस दो नंबर को माँ की गाली दी, एक पहला झूठ था। अब आगे चल के फाइट करूँगा मैं बंदों के साथ, वहाँ पे मतलब देखना क्या बोलेगी। अब उन बंदों के पास आरपीजी नहीं रहते एनिमी के पास, अब ये मतलब चार नंबर दो नंबर को बोलेगी कि उन बंदों के पास आरपीजी है, उनसे फाइट मतलब। अब जैसे यहाँ पे ये बंदा मतलब इसको नॉक फिनिश करता हूँ, अब जैसे दो नंबर को जल्दी से रिवाइव करता हूँ। अब आगे चलते हैं मतलब नदी के उस पार, वहाँ पे बंदे थे। अब वहाँ जाने के बाद मतलब मैं फ़ाइट लेता हूँ। यहाँ पे भी दो नंबर और चार नंबर मेरे साथ नहीं आएंगे, जस्ट मैं वहाँ पे जाके फ़ाइट लूँगा। अब जस्ट देखना, यहाँ जल्दी से पहले लूटता हूँ, अब वहाँ चलते हैं डायरेक्ट। अब देखो इन बंदों के साथ मैं मतलब फाइट ले रहा हूँ अकेले, चार नंबर मेरे क्लोज में है और रेड जन है ऊपर से। अब यहाँ पे देखना, जस्ट मैं एक बंदे को यहाँ पे नॉक किया हूँ। अब मैं समझता हूँ कि बंदा ही मतलब रिवाइव दे रहा होगा, बस जस्ट मैं यहाँ पे नेट कुक करता हूँ और जाके मतलब सामने डाल देता हूँ। मतलब इस नेट से मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ डायरेक्ट रश कर रहे हैं, मुझे लगा एक ही बंदा है। अब यहाँ पे जाता हूँ, मतलब एक बंदे को तो यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। जस्ट इसको नॉक किया, उसका दूसरा बंदा आया। अब यहाँ ये बंदे ने मेरे को नॉक नहीं किया, इसके पीछे भाई एक और बंदा था, मतलब लिटरली यहाँ पे तीन बंदे थे। अब मेरे टीम मेट देखो भाई, चार नंबर मतलब चार नंबर कहाँ पे और दो नंबर। अब इन बंदों ने मेरे को S12 के मतलब थॉमसन जो भी इनके पास गन थी उससे उन्होंने मेरे को नॉक किया। अब यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे मर जाता हूँ, मेरे को कोई रिवाइव नहीं देगा। चार नंबर क्लोज में है, अब वो भी यहाँ पे मर जाएगी। अब देखना यहाँ पे क्या बोलेगी। अब ये दो नंबर मेरा टीममेट है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि हम यहाँ पे मतलब फाइट ले रहे, तू वहाँ पे क्या गांड मार रहा है। जस्ट मैंने यही बात की थी इसको, अब ये चार नंबर देखना क्या बोलेगी। ओ तुम गाली क्यों दे रहा है इतना, अजीब बंदा है। गाली क्यों दे रहा है? गाली देने से क्या मैं जीत जाऊंगा? गाली दे रहा है जो क्यों बोल रहे। अब दो नंबर उसको रिप्लाई देता है मतलब चार नंबर को, वो गाली दे रहा है देने दो, तेरे को क्या जा रहा है, मतलब बंदा यही कहेगा। अब जस्ट एयरफोन लगा के सुनना, अब यहाँ पे मतलब दो नंबर इन बंदों को तो भाई मार देगा। अब यहाँ पे मतलब मैं यहाँ फिनिश हो जाता हूँ, अब बंदे का वॉच करेंगे। अब दो नंबर भाई क्या ही बढ़िया खेलेगा ये देखना पहले। मत जाना, उस लोग के पास आरपीजी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। कल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो गाइस खुद अपने कानों से आपने सुना, उस लड़की ने क्या बोला, उन बंदों के साथ आरपीजी है मत जाना। मतलब उनके पास आरपीजी नहीं थी, मतलब S12 की यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब ये लड़की यहाँ पे फिर से झूठ बोल दी, मतलब दो नंबर भाई डर चुका होगा। अब यहाँ पे फाइट ले रहा था, अब मेरे को साउंड आता है कि राइट साइड में बंदा है। अब जस्ट मैं मेरे टीममेट को कहता हूँ कि राइट साइड में बंदा है तेरे। अब जस्ट ये देखना यहाँ पे बंदा रहता है, अब इस बंदे को भी मतलब यहाँ पे फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे ये वाला मतलब वीडियो खत्म हो जाता है। बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोल गप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।